The cameras have got it. Congratulations to them. That's four runs. And that's the vital breakthrough that England wanted. The herd. No, it's all right. Off you go. One rule for one for another. A cue for an equally unnecessary and undisciplined loss of temper by Getting. Basil's England career got off to a very positive start. मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? और तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार, अभी तक पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो सीरीज चल रही है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं हुआ? हाँ, वैसे तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की तारीख रही है झगड़े की, और जैसे तो आप जानते ही हैं कि हम तो 1999 की पैदाइश है, 2000 की, तो हमें तो पुराने याद होंगे नहीं। आप 1950 की 1950 की पैदाइश है, तो आपको मेरे ख्याल में याद होगा कि 1950 से क्या होना शुरू हुआ है। जरा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं और रोशनी डालें इसके ऊपर, क्योंकि अभी हाल का पूछेंगे तो हम बता देंगे, माजी वाजी का तो हम क्या यार। यार वो आपके जो वालदैन थे वो क्या 20 साल आगे का कैलेंडर यूज करते थे है? यार जली है, जली है, हट रही है आपकी। अल्ताफ भाई कह रहे हैं हट रही है आपकी। हो सकता है फिर मेरे वालदैन भी 20 साल पहले का यूज करते हो। तभी मैं आपको बता देता हूँ, सन 55 का किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। जब पाकिस्तान आईबी थी, एमसीसी की टीम जिसे हम कहते हैं मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जिसे आप जैसे चंद दोस्त क्या कहते थे बचपन में? यार ये हमने कैसे थे आपको, हमने भाई मेलबर्न ये मैरीलेबोन है, सही है? ओहो हाँ, मैरीलेबोन हमें सिखाया है। यार 2002 में तो मैं काम करता था, आप मुझे 99 की पैदाइश सिखाओगे चीजें? तो आई थी टीम टेस्ट मैच खेलने अनऑफिशियल, पहला झगड़ा हुआ था तब। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की टीम जो पहले इंग्लैंड की टीम होती थी, वो पाकिस्तान आई हुई थी टेस्ट मैचेस खेलने, मतलब अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेलने। उसमें कारदार साहब कप्तान थे और इदरीस ब्रेक उनके दोस्त जो थे वो अंपायर थे। तो कारदार साहब जो इशारा करते थे और इदरीस ब्रेक नॉट आउट दे देते थे, उनको मालूम होता था कि नहीं आउट देना जो भी है। तो एक टेस्ट मैच हुआ पिशावर में अनऑफिशियल, उसमें इदरीस ब्रेक ने जी भर के हवा में बंद किया, हवा में बंद। तो जब मैच ख़त्म हो गया तो वो खिलाड़ी जो थे वो तांगे पे बैठ के गए, और ये 55-56 की बात हो रही है, इदरीस बेग को पहला फुसला के, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, अपने कमरे में ले आए, उनको कुर्सी पे बैठाया और उनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया बाल्टी से। नो वे, उनको टॉर्चर, वाटर बोर्डिंग जो गुआंटानामो बे वाली उनको। उसके बाद जब बात खुली और पता चला तो इस्कंदर मिर्जा वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल उस जमाने में थे, उन्होंने हंगामा कर दिया और बरतानिया से ताल्लुकात खतरे में पड़ गए और ये सब हुआ। लेकिन फिर मामले को दबाया गया और उन्होंने कहा नहीं, मजाक है, मजाक है, हमारे यहाँ तो ऐसा मजाक होता है। ये एक हुआ फड्डा, सही है भाई। उसके बाद 1968-69 में दूसरा हुआ, वो फड्डा नहीं, वो तो बहुत बड़ा किस्सा हुआ था कि इंग्लैंड की टीम जो थी जा रही थी साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलने। तो साउथ अफ्रीकन जो थे वो ज़्यादा बड़े अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली हम जो हैं वो, आप पूरी टीम ले आए अपनी, लेकिन ये जो काला खिलाड़ी है ना बेसल डॉलिवरा, इसको मत लाइएगा। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि क्यों, इसको क्यों नहीं ला? नहीं, ये काला है ना, हमारे यहाँ ज़रा गोरे काले की पॉलिसी है। उन्होंने कहा तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो दौरा कैंसिल करो। दौरा हुआ कैंसिल, उसके बाद उन्होंने फ़ोन घुमाए सबसे फारिग क्रिकेट बोर्ड को, तो कुरान दादी में नाम हमारा ही निकला। उन्होंने कहा हम तुम्हारा कंट्री में आना चाहता, क्रिकेट मैच खेलना चाहता, तो उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्होंने ये नहीं देखा कि मुल्क की हालत क्या है, अयूब खान के खिलाफ उस जमाने में चल रही थी तहरीक, फरवरी मार्च की बात है, बुला लिया उनको, इंग्लैंड आएगी खेलेगी खेलेगी। क्या टेस्ट मैचेस हुए, कराची में टेस्ट मैच था, उसमें सेंचुरियां बहुत बनी। एलन नॉट जो विकेट कीपर बैट्समैन थे उनके, ही वॉज बैटिंग ऑन 98 और हंगामा हुआ और क्राउड जो है वो ग्राउंड में घुस के आ गया मैच के बीच में, तो मैच वहीं रोका गया, उनकी बुक खड़े रहे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सेंचुरी रह जाएगी। लेकिन वो मैच अबैंडन हुआ, लेकिन ये सेंचुरी जो थी उनको बड़ा गम रहा उसका। और इस वाक़े के 10 या 15 दिन के बाद अय्यूब खान रिजाइन करके चले गए।
मतलब मुल्क की हालत आप समझ रहे हो उस वक्त क्या थी जो हमने इंग्लैंड अच्छा, को बुलाया था वो जावेद के अंदर वाला की आ रहे आ रहे आहिस्ता आहिस्ता यार आहिस्ता ना कूल कूल सन 77 78 की बात आपके और हमारे दोस्त सिकंदर बख्त उन्होंने माइक ब्रेडली का हाथ तोड़ दिया ब्रेडली का हाथ कप्तान कराची जिमखाना में मैच था सिक्कू भाई ने ब्रेडली का हाथ तोड़ दिया अब वो पता नहीं ब्रेडली की हड्डियां कमजोर थी ब्रेडली की हड्डियां कमजोर होंगी एक सिक्कू भाई वाज अ गुड बॉलर सिक्कू भाई जो थे सिक्कू भाई थर्ड बॉलर थे हमारे बोल सरफराज इमरान के बाद सिक्कू भाई वाज द थर्ड बॉलर और तेज करते थे बॉलिंग और अच्छी करते थे छह साल रहे यार आप लोग हल्का लेते हो उनको सिक्कू भाई 76 में डेब्यू किया हमने कभी हल्का नहीं लिया कभी हल्का नहीं लिया सिक्कू भाई को कभी नहीं हल्का लिया बहुत भारी है वो 76 में डेब्यू किया 83 तक खेले और सिक्कू भाई का आखिरी आखिरी मैच पता है कब है 89 में जब आप पैदा हो चुके थे समझ आई बात करते हो यार सिक्कू भाई ने ब्रेडली का हाथ तोड़ दिया था उसके बाद जेफ बॉयकॉट को बना दिया गया कप्तान तो उसमें ये हुआ कि पैकर्स के जमाने में सारे खिलाड़ी वहां गए हुए थे कैरी पैकर खेलने और यहाँ पे बी टीम रखी हुई थी एकदम से कुछ बात बात करके पैकर के खिलाड़ी आ गए और ऐलान हुआ कि सुबह पैकर के खिलाड़ी खेल रहे होंगे तो जेफ बॉयकॉट इतने परेशान हुए कि मेरी कमजोर टीम के खिलाफ बड़े लड़के आ जाएंगे उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा सुबह दो टीमें अनाउंस हुई है भाई एक ए टीम एक बी टीम अच्छा बॉयकॉट से पूछा गया आप किससे खेलेंगे एक का कप्तान इंतखाब आलम और एक में मुश्ताक मोहम्मद ना करो वसीम राजा इतने परेशान हो गए कि मेरी टीम जगह चली जाएगी कि उन्होंने मूछे मूछे उड़ा दी अपनी मूछे दाढ़ी इतने टेंशन में थे वो फिर वो यही हुआ कि पैकर वालों के साथ माजरत की गई उनको वापस भेजा गया ये हो गया उसके बाद 87 में जो दो वाकयात हुए इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आई वर्ल्ड कप खेलने जावेद मियादाद साहब लगातार 950 बना चुके थे वनडे मैचेस में जो स्कोर ऑफ अबव 50 सेंचुरीज भी थी उसमें जब 10वीं इनिंग में वो खेलने आए रावलपिंडी में और 50 रन उनको करने थे तो उसमें वो LBW हो गए जावेद भाई जा रहे हैं वापस आउट हो गया तो माइक गैटिंग आए और उन्होंने उनको यूं किया माइक गैटिंग में ऐसे कैमरा ये रहा यहाँ यूं 10 का क्या हुआ जावेद भाई ने यूं करके मुंह पकड़ा जैसे मैंने उस दिन आपका मुंह पकड़ा था और यूं करके हिला दिया चल बे चल नहीं यार हाँ वो जाते हुए तो वो गैटिंग कर वो हिल गया उस वक्त गैटिंग कैप्टन था भाई और आप उस मैच में कप्तानी कर रहे थे इमरान खान का पेट वेट खराब था कुछ तो जब जावेद मियादाद से पूछा कि वो क्या हुआ था मैच के बाद तो उन्होंने कहा देखें जी ये वैसे तो गैटिंग साहब हमारे दोस्त हैं लेकिन ये जो उन्होंने भी गंद की थी नहीं करनी चाहिए थी कल ही का मैच हो रहा है भाई फिर पाकिस्तान टीम में रह गए यही इंग्लैंड टीम उनके तीन टेस्ट मैचेस थे जावेद भाई उसमें कप्तान थे इमरान खान ने रिटायरमेंट ले ली थी और जी भर के अंपायरिंग ब्लंडर्स हुए हैं मतलब अब्दुल कादिर को 25-30 विकेट ले गए पता नहीं कितनी ले गए आउट कर करके उसमें फैसलाबाद टेस्ट में शकूर राणा वाला इंसिडेंट आज तक सबको याद है हाँ सही कह रहे हैं जो जिसमें वो फील्डर को आगे कर रहे थे और अंपायर ने नो बॉल दे दी थी बाइक कटिंग जाके उनसे यूं लड़ रहा है पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर हो गई थी उस मैच में हारने वाले थे उस वाकये की वजह से शकूर राणा ने एक दिन मैच डिले करवा दिया नहीं इतनी बहुत हुआ था भाई इससे कहो माफी मांगे मुझसे इससे कहो मुझसे माफी मांगे इफ ही कम्स एंड अपोलोजाइज इन राइटिंग विद फ्रॉम मी देन वी कैन स्टार्ट द गेम नाउ द मैटर्स विद द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड द मैनेजर ऑफ द इंग्लैंड टीम 2000 में जब पाकिस्तान आई थी इंग्लैंड की टीम कराची में टेस्ट मैच था और मोइन खान वाज द कैप्टन तो थर्ड टेस्ट मैच में आपने डिले किया कि अंधेरा हो जाएगा पहला मैच खत्म हो जाएगा कराची का पहला मैच जो हम हारे जो नाकाबले नाकाबले तस्खीर को तमस्खीर बना दिया था किला फतह कर लिया इंग्लैंड ने Nasser Hussain is celebrating. England have won this third test match at Karachi. आपके बारे में कहा जाता है कि आप फड्डे करने में ना सिर्फ माहिर हैं ना सिर्फ बदतमीज भी हैं आप उन फड्डों और बदतमीजी को याद रखने पे भी माहिर हैं ये आज मैंने बिल्कुल जी किया और जी, मैं देखने वालों से यही करूंगा कि आपसे जब भी गुफ्तगू करें
तहजीब और तमीज के दायरे में रहे, क्योंकि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी बदतमीजी कर सकते हैं, आप कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं। एक्चुअली मुझे इतनी चीजें पता है ना, फड्डे, इतने फड्डे देखे हैं मैंने कि मैं कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं नया फड्डा नहीं लाता। जैसे फिल्मों में होता ना, पुराने पुराने तरीके से फ्लैशबैक में जाके उसी तरीके से मैं फड्डा करता हूँ। तरीका ये है मेरा, वारदात जो है। ठीक है भाई, तो आप जरा बच के रहिएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुझसे दूर रखिएगा, क्योंकि कहीं ये सब चीजें मैं उन पर अप्लाई ना कर दूं। भाई दूसरा तीसरा टेस्ट मैच जीतना है तो एग्रेशन दिखानी पड़ेगी, कोई जावेद मियादार टाइप की कुछ आपको फंडा है क्या रह, चल यहाँ पे निकल, ये सब करना पड़ेगा, वरना वही आके प्लेट में रख के दे दी, असर आइए, ये आपके लिए टेस्ट मैच और ये आपकी ट्रॉफी, हम तो बस ऐसी आपके जो वो हैं खादिम, एंटरटेनर। सही है, लगान याद आ जाती है, अंग्रेज जब आपके खिलाफ खेलते हैं तो लगान याद आ जाती है, थम साला थग काड़ी का लग। सही कह रहे हैं, हाँ, उसी तरह हम उनके साथ करते रहेंगे। तो ये मशवरा आप दे रहे हैं उनको जाके, या हम ऐसे ही पहुंचवाएं उन तक? नहीं नहीं ये बिल्कुल जो है वो हमारे थ्रू पहुंच जाएगा, ये जब अपलोड होगा तो देखेंगे लोग तो पहुंच जाएगा उनको, बस अमल कर लें उसमें, सबसे बड़ी बात। ठीक है भाई, चलें, एग्रेशन के बगैर कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।